नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अक्षय आनंद। सीएम नीतीश कुमार मोकामा पहुंचे, जहां पर उन्होंने सूरजभान सिंह के घर शंकरबार टोला में उनसे मुलाकात की। बेटे आशुतोष के देहांत पर उन्हें सांत्वना दिया। आशुतोष के देहांत को 9 दिन हो चुके हैं और कल उसका दशकर्म है, जिसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार ने सूरजभान सिंह से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दिया, उनकी हौसला अफजाई की। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से वहां पर नीतीश कुमार मौजूद है और उनके साथ ही अशोक चौधरी, श्याम रजक, ललन सिंह मौजूद हैं और एक और सूरजभान सिंह बैठे हैं और कुछ बातचीत चल रही है। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले आशुतोष का एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था, जो कि सूरजभान सिंह के परिवार के लिए एक बड़ा झटका था। इस मुश्किल के वक्त में सीएम नीतीश कुमार सूरजभान सिंह से मिलने पहुंचे हैं, बातचीत की है, उन्हें सांत्वना दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मुंगेर में जदयू का दलित महादलित सम्मेलन था, जिसमें शामिल होने गए थे नीतीश कुमार, जिसके बाद वह मोकामा पहुँच गए, शंकरबार टोला में सूरजभान सिंह के घर पर उनसे मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं और उन्हें सांत्वना दिया है, क्योंकि 9 दिन पहले उनके बड़े बेटे आशुतोष का देहांत हो गया था। दरअसल नोएडा में आशुतोष अपनी गाड़ी से जा रहा था और इस बीच गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके बाद आगे जेपी अस्पताल में आशुतोष को भर्ती कराया गया, मगर आशुतोष को वहाँ के डॉक्टर्स बचा नहीं पाए। उसके बाद पटना में आशुतोष का दाह संस्कार कराया गया। आशुतोष के मंझले भाई यानी कि सूरजभान सिंह के जो मंझले बेटे हैं, अमितोष सिंह ने आशुतोष की चिता को आग दी। सूरजभान सिंह वहां पर मौजूद नहीं हो पाए, क्योंकि बड़े बेटे का जाना बड़े ही दुख की घड़ी थी सूरजभान सिंह के लिए। वीणा देवी का भी रो रो कर बुला हाल था, साथ ही साथ परिवार में भी मातम पसरा हुआ था। सूरजभान सिंह के समर्थकों में भी मातम फैला हुआ था। उसके बाद अब नीतीश कुमार मोकामा में सूरजभान सिंह से मिलने पहुंचे हैं। बिहार से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। शुक्रिया।